सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर और क्या होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है हमारा लॉसेस इन दी ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ हम लोग सब ड्रॉ करने वाले हैं फेजर डायग्राम किसके साथ, नो लोड कंडीशन पे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए क्या होता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें किसी भी तरह का वाइंडिंग रेसिस्टेंस ना हो, पहला। दूसरा, किसी भी तरह का लीकेज फ्लक्स में ना हो। तीसरा, किसी भी तरह का आयरन लॉस कहाँ कोर पे ना हो। ऐसा ट्रांसफार्मर पाना मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ये बस थ्योरी के लिए है और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझे बात को। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें फ्लक्स कितना फाई जा रहा है, जो लीक नहीं कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में जब वो लिंक कर रहा है। तो ये हमारा प्राइमरी साइड है, ये हमारा प्राइमरी साइड है और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड जो है वो हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। सेकेंडरी साइड जो ये हमारा आउटपुट है ये क्या है, ओपन है, ठीक है। और हमारा जो प्राइमरी है वो एक क्या है, सिंपली एक कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए जब इधर से हम लोग सब इनपुट साइड से जब हम लोग सब एसी सप्लाई डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, छोटा सा मैग्नेटाइजिंग करंट ही सिर्फ जाएगा जिसको हम लोग सब IM से डिनोट करेंगे, और वो क्या करेगा, लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। वो क्या लैग करेगा, IM जो है वो लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से। समझे बात को, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपको ये पता नहीं है क्या होता है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा प्योर इंडक्टेंस के केस में क्या होता है फेजर डायग्राम, तो आपको प्रॉपरली पूरा बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। समझ में आया। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जो IM प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स फाई, ठीक है, कहाँ पे, कोर में, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल होगा और फेज में होगा किसके साथ, आपका IM के साथ। समझे बात को। तो चलिए हम लोग सब फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमको क्या पता चला, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या क्या करेगा, वो लीड कर रहा है किससे, IM से, कितना, 90 डिग्री। तो ऊपर वाला V1 और नीचे वाला IM। अब हमको ये पता चला कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो IM के प्रोपोर्शनल होगा और सेम फेज में होगा। समझे बात को। अब हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कहाँ से, प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा EMF कहाँ पे, E1 प्राइमरी में और E2 सेकेंडरी में, ठीक है। और साथ ही साथ द प्राइमरी EMF E1 इज एट एवरी इंस्टेंट टू V1, बोथ EMF E1 एंड E2 लैग बिहाइंड द फ्लक्स, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स बना किसके कारण, फाई के कारण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E1, और ये हो जाएगा हमारा E2 और इक्वल्स टू V2 होगा। समझे बात को। और ये कितना है, 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। समझे बात को। अब ये E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन किस पे, हमारा डिपेंड करेगा फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे। समझे बात को, क्लियर होगा, समझ में आया। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो हम लोग सब डे टू लाइफ में देखते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन लॉसेस होते हैं, तीन तरह के लॉसेस होते हैं। पहला, आयरन लॉस जो कहाँ होता है, कोर में। वाइंडिंग रेसिस्टेंस लॉस जो हमारे पास वाइंडिंग के तौर पर हमारे कोर में मौजूद रहते हैं, कहाँ पर, ट्रांसफार्मर के, तो उसके कारण जब करंट फ्लो करता है उसमें तो उसके कारण कॉपर लॉस होता है, तो उसको हम लोग सब वाइंडिंग रेसिस्टेंस लॉस बोलेंगे। और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक लीकेज होता है एक हमारे पास। चलिए तो एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। सिंस आयरन लॉस क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है किस पे, बार बार अल्टरनेटिंग फ्लक्स हम लोग सब डाल मतलब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग सब डालें कोर में,
तो उसके कारण क्या हुआ, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण क्या होगा कि एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस प्रोड्यूस होगा, और इसी का दोनों का सम होता है हमारा आयरन लॉस। ठीक है, किसका, सबसे पहला हमारा ये जो आयरन लॉस होता है इसमें हमारा दो चीज़ आता है, पहला चीज़ हो गया हमारे पास क्या, एडी करंट, और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, हमारे पास हो गया हिस्टेरिसिस लॉस, समझे बात को, और इसी दोनों का सम को हम लोग सब बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, समझे बात को, जो आयरन लॉस होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोर हो गया, ये सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझो बात को। और ये बात याद रखने की है कि जो मैग्नीट्यूड होता है आयरन लॉस का, ये बहुत छोटा होता है किसमें, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, समझो बात को, बहुत कम होता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सब बहुत सारे चीज़ ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, जैसे सिलिकन स्टील का यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं, तो इस सब से हमारा क्या होता है, आयरन लॉस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब किस पे, वाइंडिंग रेसिस्टेंस लॉस पे, जिसको हम लोग सब कॉपर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये कि जो हमारा जो वाइंडिंग होता है वो कंसिस्ट होता है किसके, कॉपर कंडक्टर का। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इमीडिएटली फॉलोज दैट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल हैव वाइंडिंग रेसिस्टेंस, होगा इंडक्टर के साथ क्या होगा, रेसिस्टेंस भी होगा। ठीक है, और ये प्राइमरी रेसिस्टेंस आर वन एंड प्राइम सेकेंडरी रेसिस्टेंस आर टू एक्ट इन सीरीज विथ रिस्पेक्टिव वाइंडिंग। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, हमारे पास हीट के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे रेसिस्टेंस है वहाँ पे क्या होगा, हमारा हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हीट क्या करेगा, एक तरह का लॉस होगा हमारे पास, समझे बात को। ये जो हमारा वाइंडिंग रेसिस्टेंस है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर है सपोज हमारे पास, ये अगर हम लोग सब सपोज करते हैं, इधर एक्स वन है, ये हो गया एक्स टू, ये प्राइमरी साइड का इंडक्टर, ये एक्स टू सेकेंडरी साइड का इंडक्टर है, तो ये क्या है, रिएक्टेंस को प्रोड्यूस करेगा क्या, एक्स वन एंड एक्स टू, तो अगर हम लोग सब रेसिस्टेंस लगा देंगे आर वन और आर टू, तो ये दोनों मिल करके हमारा क्या, एक हीट को प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा वाइंडिंग रेसिस्टेंस लॉसेस में आएगा, और इसको हम लोग सब कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, आयरन लॉस। ठीक है, अब क्या हमारे पास तीसरा बच रहा है, कौन सा तीसरा हमारे पास बच रहा है, मैग्नेटिक लीकेज। मैग्नेटिक लीकेज क्या हुआ, मैग्नेटिक लीकेज जो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना चाहिए था वो नहीं जा करके दोनों को लिंक नहीं कर पा रहा है, मतलब बीच में ही ख़त्म हो जा रहा है, और वो टोटली एक दूसरे को लिंक नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा फ्लक्स में लीकेज होगा, और एक छोटा अमाउंट में लॉस को प्रोड्यूस करेगा, समझ में आया। ये हमारा तीन तरह का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, समझ में आया। कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, नो लोड कंडीशन में, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ड्रॉ कर लेते हैं हम, इधर हम लोग सब वी वन वोल्टेज, और इधर से हमको आउटपुट पे क्या, वी टू वोल्टेज मिलेगा, समझे बात को। ठीक है, द प्राइमरी ड्रॉज ए स्मॉल करेंट आई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब कंसिडर कर रहे हैं क्या, आई नॉट एक स्मॉल करंट को ड्रॉ करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो हो रहा है, ठीक है, एक आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी साइड क्या है, ओपन सर्किट, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस होगा। ठीक है, समझे बात को, तो इसलिए प्राइमरी नो लोड करंट आई नॉट, जो प्राइमरी का नो लोड करंट है वो क्या होगा, प्राइमरी नो लोड करंट आई नॉट इज नॉट 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बट इट लैग्स बिहाइंड एन एंगल, वो एक एंगल पे लैग तो करेगा ही करेगा, कितना, वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम लोग सब सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फाइन आउट होगा वो क्या होगा, लेस देन कुछ 90 डिग्री से होगा। ठीक है, तो हम लोग सब ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं इसका फेजर डायग्राम, तो इसका फेजर डायग्राम अगर हम लोग सब ड्रॉ करेंगे तो इसका फेजर डायग्राम सेम बनेगा, कैसे, ये हो गया हमारे पास वी वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई, दोनों सेम फेज में होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ई वन, और यहाँ पर ई वन हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ई टू का हो जाएगा,
और ये इक्वल्स टू V2 होगा और वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आता है हमारे पास IW वर्किंग कंपोनेंट, वो हम लोग सब जानेंगे। और यहाँ पर जो इसका जो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग सब पैरेललोग्राम बनाएंगे, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा क्या होगा I0 होगा। समझे बात को, समझ रहे हो? तो नो लोड हमारे पास, सपोज यहाँ पर हम लोग सब क्या देखते हैं, नो लोड क्या हमारे पास इनपुट पावर जो होगा वो W0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I0 cos phi naught और ये क्या V1 यहाँ पे हो जाएगा। समझे बात को, समझे? हमारे पास दो कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक हो गया हमारे पास सब दो कंपोनेंट हमारे पास है यहाँ पर IW और एक हमारे पास क्या है IM। इसको IM को हम लोग सब मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं और IW को हम लोग सब बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट या आयरन लॉस कंपोनेंट। द कंपोनेंट IW इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज V1, ठीक है, समझो बात को। दिस इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट और वर्किंग कंपोनेंट और आयरन लॉस कंपोनेंट। और ये क्या होता है एंड सप्लाइज द आयरन लॉस एंड वेरी स्मॉल प्राइमरी कॉपर लॉस। सेकेंडरी में क्या होता है, ओपन सर्किट है तो करंट जाएगा नहीं, तो वहाँ पे सेकेंडरी में कोई भी कॉपर लॉस नहीं होगा। अब इसको अगर हम लोग सब इस यहाँ के फॉर्म में देखते हैं तो ये IW, ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइ नॉट, ठीक है, ये आपका IW, ठीक है। तो ये IW को अगर हम लोग सब लिखना चाहेंगे तो IW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास I0 cos phi naught। समझे बात को, समझ गए? उसी तरह से हमारा IM का बात करते हैं तो IM क्या होता है, IM जो होता है वो हमारा लैग करता है V1 से बाय 90 डिग्री। और ये क्या, इसको हम लोग सब क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, समझे? और इट इज़ द कंपोनेंट विच प्रोड्यूसेस म्यूचुअल फ्लक्स फाई। याद रखिए कि मैग्नेटाइजिंग करंट के ही कारण क्या होता है हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। समझे बात को? तो अगर हम लोग सब यहाँ पर IM को देखना चाहेंगे तो IM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IM, ये वाला जो पार्ट है वो क्या इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये IM इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, IM इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I0 साइन क्या I0। समझे बात को? तो हमको इससे ये पता चलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि I0 इज इक्वल्स टू रूट अंडर IM का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर, ठीक है। और हमको ये भी पता चल रहा है नो लोड पावर फैक्टर cos phi naught इज इक्वल्स टू IW बाय I0। समझे बात को? बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इससे ये वाला टेस्ट हम लोग ज़्यादातर करते हैं किसको फाइंड आउट करने के लिए, IW फाइंड आउट करने के लिए। और ये क्या होता है आयरन लॉस, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है इसमें सेकेंडरी ओपन होने के कारण, ठीक है, सेकेंडरी ओपन होने के कारण हमारे पास क्या होता है मिनिमम होता है। समझे बात को? तो इसमें मैंने पूरा सारा टॉपिक को एक एक करके अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है, ठीक है।